हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दोस्तों आप अपने व्हाट्सअप की होम स्क्रीन पे आप फोटो कैसे लगाएं। तो दोस्तों यानी कि आप अपना खुद का यानी कि व्हाट्सअप की होम स्क्रीन पे आप अपना खुद का फोटो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाल बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस लाल बटन पर क्लिक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो बगल में घंटी है इस पर भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों इस घंटी पर भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हो तो अगर आप बीच में स्किप कर देते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और एक एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो इस एप्लीकेशन का आप लोगो देख लीजिए, इस टाइप का है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम है डिसिजनल टूल्स। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना और इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली ओपन कर लेना। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, तो सबसे यानी कि ऊपर वाला ऑप्शन है ये ऑफ रहेगा तो इसको आपको इनेबल कर देना है, इसको ऑन करना है। तो दोस्तों इसको क्लिक कर देना और इसको ऑन कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको मेमोरी में उठा के ले जाएगा आपकी फ़ोन की। तो दोस्तों यहाँ से आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना खुद का फ़ोटो भी आप लगा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाला फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जो ये लाइन है, लेंथ है, इसको आपको यानी कि इस लेंथ को यानी कि आपको बढ़ा देना है, इसको यानी कम यानी कि इसको बढ़ा देना, फुल इस लेंथ को कर देना। उसके बाद आपको बैक कर देना है। उसके बाद आपका व्हाट्सअप ओपन कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए यानी कि मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया है। और दोस्तों देखिए यानी कि मैंने व्हाट्सअप की होम स्क्रीन पे ये फोटो है जो लग चुका। तो दोस्तों आप भी यानी कि अपना खुद का ही फ़ोटो आप व्हाट्सअप की होम स्क्रीन पे इस टाइप से आप लगा सकते हो। दोस्तों अगर दोस्तों इसको आप रिमूव करना चाहते हो दोबारा से तो आप दूसरा भी आप लगा सकते हो। जैसे कि आपको फिर से वो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और इसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रीसेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों रीसेट पर मैंने क्लिक किया, अब मेरा व्हाट्सअप ओपन करता हूँ तो यानी कि वो फ़ोटो जो डिलीट हो चुका है। देखिए दोस्तों अब दोस्तों दोबारा से मैं दूसरा फ़ोटो लगाना चाहता हूँ तो वापस से आपको ये एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन वापस ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने पे दोस्तों यहाँ से आप अपना खुद का फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दूसरा फ़ोटो लगाने वाला हूँ तो जैसे कि ये वाला फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब दोस्तों देखिए यानी कि यहाँ पर लेंथ भी आपको इसका फुल कर देना है, नीचे लेंथ है जो। अब दोस्तों आपको बैक कर देना है। अब दोस्तों आपको व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों ये दूसरा वाला फ़ोटो भी यानी कि वो रिसेट कर दिया और नया फ़ोटो मैंने लगा दिया। तो दोस्तों आप भी इस टाइप से यानी कि आसानी से व्हाट्सअप की होम स्क्रीन पे आप अपना खुद का या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।